वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल खुले बालों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट मिस ना हो आप लोगों से। एंड सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, जिसमें मेरी डेली ब्लॉग वीडियो अपलोड होती रहती है, तो वहां पर भी जरूर जाइए एंड उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ, ओ सॉरी मेरी बेटी ने पूरा इसको खोल के रख दिया, निव्या बॉडी लोशन का। काफी ज्यादा अच्छा है, फॉर ड्राई स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। देखिए इसे लिखा भी हुआ है ड्राई स्किन। ओके, अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप कोई बेस्ट बॉडी लोशन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके इजिली बाय कर सकते हो। मैं इसको लॉन्ग टाइम से यूज कर रही हूँ, काफी अमाउंट बस इतना सा बचा हुआ है और काफी ज्यादा अच्छा है, तो आप इसको ले सकते हो। अगर ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। अगर ड्राई स्किन वाले कुछ अच्छा बॉडी लोशन ढूंढ रहे हैं तो आप निविया का ट्राई कर सकते हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, ये तो होगी बातें। एंड हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है सेंटर पार्टीशन, ओके, एंड आपको कुछ रबड़ बैंड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये कल गई थी मार्केट, तो मैं रबड़ बैंड का पूरा डिब्बा लेके आई थी एंड इससे ही मैं बनाने वाली हूँ हेयर स्टाइल। तो जब रबड़ बैंड लीजिएगा, सॉरी रबड़ बैंड लीजिएगा तो रबड़ बैंड सेम कलर की चूज कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए, नहीं तो आप एक एक दो दो मैच करके अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर की रबड़ बैंड यूज कर रही हूँ। 3, 4 या 5 रबड़ बैंड आपको लेने हैं। मैं यहाँ पे 5 पिंक कलर के रबड़ बैंड ले रही हूँ, बाकी सारे अपने डिब्बे में डाल देती हूँ जितना भी मैंने निकाला था। ओके, तो ये 5 पिंक कलर के रबर बैंड लिए, बाकी सारा मैं साइड में रख रही हूँ। और ये 5वां रबर बैंड से मैं हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे छोटे बालों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लंबे बालों के लिए हेयर स्टाइल बेस्ट है, बट मेरे बाल छोटे हैं तो ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बीच की मांग इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। और आपके लेयर्स अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट है बैंक्स तो उसको छोड़ दीजिएगा फ्रंट से। आपको जब भी हेयर स्टाइल स्टार्ट करना है आपको इस तरीके से अपने गर्दन के पास से यानी कि ठोड़ी के पास से आपको हेयर को लेना है और यहाँ से ही स्टार्ट करना है। अगर आप इससे ऊपर लोगे तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठोड़ी से थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना है, ये लंबे बालों के लिए बेस्ट रहेगा, बट मेरे बाल छोटे हैं। मैं छोटे बालों बाल वालों लड़कियों को भी अगर ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए तो बना सकती है मेरा वीडियो देख के। तो ये मैंने पहला रबड़ उठाया है एंड यहाँ पे लगा दूंगी। आप देख सकते हो मेरी लेयर जो कट है वो निकल रही है, तो जो निकल रहा है उसको छोड़ दीजिए। फिर सेकंड लेयर लेंगे यहाँ से, दोनों साइड से पतली पतली लेयर्स लीजिएगा, ज़्यादा प्यारा लगेगा हेयर स्टाइल। और जो हमने फर्स्ट लेयर ली थी उनको मिक्स करते हुए सेकंड रबड़ बैंड यहाँ पे लगाएंगे। 5 रबड़ बैंड से मैंने बनाया है, आपको जितना लंबा चाहिए, जितना ज़्यादा लेयर चाहिए उतना ज़्यादा आप रबड़ बैंड यूज कर सकते हो, कम चाहिए तो आप कम कर सकते हो। अब थर्ड लेयर लेंगे यहाँ से, ओके, प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप जाके इजीली वहां से बाय कर सकते हो। मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियोज एंड ब्यूटी टिप्स देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जाइए और हेयर से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। थर्ड रबर बैंड लगा दिया, फोर्थ लेयर लेंगे एंड फोर्थ रबर बैंड लगाएंगे। ओके, इस तरीके से मैं रबड़ बैंड को लगा रही हूँ यहाँ पे एंड 5वां रबड़ बैंड लगाएंगे। इसके बाद 5वां लेयर लेंगे एंड 5वां रबड़ बैंड लगाएंगे एंड इसको पीछे की तरफ करेंगे। कैसे करना है वीडियो एंड तक देखते रहिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने 5वां लेयर ले लिया है एंड जो हमने रबड़ बैंड लगाई थी उसके साथ मिक्स करते हुए 5वें रबड़ बैंड को भी लगाएंगे। ओके, तो ये हमने यहाँ पे 5वां रबर बैंड लगा दिया है, तो कुछ इस तरीके का फ्रंट से आपको दिख रहा है, बट बैक में करेंगे तो बहुत प्यारा हेयर स्टाइल आने वाला है। ओके, तो ये 5वां रबर बैंड जो है एक लाइन में होने चाहिए बिल्कुल सीध में ताकि थोड़ा अच्छा लगे। मैंने सेम कलर का रबर बैंड यूज किया, आप चाहो तो अलग अलग कलर के भी यूज कर सकते हो। ओके, अब इसको इस तरीके से उठा करेंगे एंड धीरे धीरे करके आपको बैक साइड में सारे हेयर को रखना है। इस तरीके से किया और धीरे धीरे इसको पीछे कर देंगे।
और आगे से भी आपका काफी अच्छा सा लुक आ गया। जो भी लेयर कटे थे वो फ्रंट में आ जाएगा एंड बैक में कुछ इस तरीके का लुक आएगा। वाव, कैसा लगा आपको? आई होप कि पसंद आया। बहुत ही इजी है एंड लंबे लंबे बालों के लिए बेस्ट है। आप चाहो तो नीचे तक ऐसे ही लेयर कर सकते हो, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल और भी ज्यादा प्यारा लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। आई होप कि आपको हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो के अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इंस्टा आईडी PreetyY24 है तो वहाँ पे भी जरूर जाइए, सेकंड चैनल पे भी विजिट कीजिएगा। मेरी वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में।